क्या आपको पता है कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको वीर के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और पुलिंग की अगर बात की जाए तो वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे पुलिंग कहा जाता है। और इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर वीर के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह वीरांगना होगी। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना होता है, और यहां पर वीर एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर वीरांगना एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वीर का अर्थ होता है बहादुर या फिर सूरवीर। यह शब्द वीरता, साहस और बलवानी नर व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और वहीं पर वीरांगना की अगर बात होती है तो वह एक मादा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। यानी दोस्तों, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीर शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह वीरांगना होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना होता है, और यहां पर वीर एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर वीरांगना एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।